बिजली का बिल अदा न करना वासा मुल्तान को महंगा पड़ गया। वासा हेड ऑफिस डिस्पोजल स्टेशन समेत ट्यूबवेल के बिजली के कनेक्शन मुनकता। मुल्तान शहर में साफ पानी की सप्लाई रुकने का खदशा पैदा हो गया। वासा के जिम्मे मैपको के 1 अरब रुपए से जायद के वाजिबात हैं। मैपको हुकाम को इस माह की किस्त दी थी। वासा हुकाम का मौकफ, जबकि बिजली मुनकता होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। इस हवाले से आपको बताएं कि बिजली का बिल अदा न करना वासा मुल्तान को महंगा पड़ गया। वासा हेड ऑफिस डिस्पोजल स्टेशन समेत ट्यूबवेल के बिजली कनेक्शन मुनकता कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, बिलाल न्यासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वासा ने मैपको को 1 अरब से ज्याद की पेमेंट करनी थी बिल्स की मद में, जिस पर आज मैपको ने वासा के तमाम तर डिस्पोजल स्टेशन के जो कनेक्शन है वो मुनकता कर दिए। उसके साथ जो वासा हेड ऑफिस शमशाबाद है उसके भी बिजली काट दी गई है। इस हवाले से अगर हम बात करें तो वासा मुल्तान शहर में पानी की भी सप्लाई करता है, सीवेज की भी, इस हवाले से तमाम तर मामला वासा कंट्रोल करता है। उस हवाले से जब हमने वासा हुकाम से बात की तो वासा हुकाम का कहना था कि माहाना जो किस्त मैपको को अदा की जाती है वो 2 करोड़ से ज्यादा की है, वो अदा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी मैपको ने उनके कनेक्शन मुनकता कर दिए, जिसके बायस वासा अगले 4 घंटों में शहरियों को साफ पानी की सुविधा फराहम नहीं कर सकेगा। उसके साथ जो सीवरेज के मामला हैं जिससे डिस्पोजल स्टेशन चलाए जाते हैं वो काफी हद तक मुतासर होंगे अगर मैपको ने बिजली बहाल ना की। तो इस हवाले से अभी तक मैपको और वासा के दरमियान किसी किस्म के इस हवाले से कोई पेशकश नहीं हो सकी, जबकि वासा ऑफिस अभी भी मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ है और किसी किस्म का काम नहीं हो रहा है, क्योंकि दफ्तरी उमूर भी मुतासर है। उसके साथ साथ जो वासा के ट्यूबवेल हैं, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, वहां भी ये जो पानी की सप्लाई है वो रुकना शुरू हो गई है। वहां पर पानी की सप्लाई रुकना शुरू हो गई है। शुक्रिया बिलाल न्यासी, आप हमारे साथ मौजूद थे।